Two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure. Deduce the expression for the equivalent EMF of the combination. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरह का डायग्राम दिया है. एक सेलियर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ E1 R1, एक सेलियर बना हुआ है जिसमें लिखा है E2 R2. यहां से बच्चों करंट I निकल रही है, ठीक है. एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यही डायग्राम ऐसे भी बना होता है, एक सेल यहां लगा होगा E1 R1, एक यहां E2 R2, ठीक है, और ये करंट I निकल रही है. तो दोनों डायग्राम एक ही है और इन दोनों में ही, मतलब किसी में भी हम बात कर सकते हैं. तो इसको हम बीच में और लिख देते हैं, मतलब वो डायग्राम बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही है, ठीक है. हमसे कह रहे हैं यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है इसका और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है. यानी कि यहाँ पे दो सेल अनइक्वल ईएमएफ के लगे हुए हैं, E1 और E2 के. इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है और हमको इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है. साथ ही साथ बच्चों हमको ये भी बताना है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा. तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो बच्चों इसके लिए हम पहले क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि पहले सेल से I1 करंट फ्लो होती है. पहले सेल से कितनी करंट निकली, I1, और दूसरे सेल से बच्चों I2 करंट निकलती है. अब आपको पता होना चाहिए कि सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, ये निकल गई. ऐसे कहीं बाहर कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होंगे, उनसे होते हुए करंट यहाँ वापस आएगी, ठीक है. वापस आते समय आपको पता है जिस सेल से जितनी करंट निकलती है उसमें उतनी ही जाती है. मतलब अगर I1 इधर निकली है तो यहाँ I1 ही जाएगी, यहाँ से अगर I2 निकली है तो यहाँ पे I2 ही जाएगी, ठीक है. अब बच्चों हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से दो सेल पैरेलल लगे हुए हैं, ये पैरेलल सर्किट हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां पे भी बच्चों नीचे वाले सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, V होगा. यानी कि ये टर्मिनल वोल्टेज V है, EMF E1 है. यहां पे टर्मिनल वोल्टेज E है, V है और EMF इसका E2 है. तो फॉर फर्स्ट सेल यहां बात करेंगे, फॉर फर्स्ट सेल. तो बच्चों पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है याद करो, ये होता था V इक्वल टू E-IR. तो पहले सेल की बात हो रही तो E1-I1 और स्मॉल R1, ठीक है. यहां से बच्चों हम I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये क्या आएगी बच्चों, ये आएगी यहां से. भाई देखो I1 निकालना है, इसको इधर लाओ तो क्या बचेगा, I1 R1 पहले निकाल दो तो ये बचेगा E1-V, या I1 की वैल्यू बचेगी यहां से E1-V/R1, ठीक है. ये I1 निकला है. फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के लिए इसी तरह से बात करेंगे, फिर V बराबर क्या होगा बच्चों सेकेंड सेल के लिए, E2-I2R2. यहां से आप I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, E2-V/R2. सो टोटल करंट I = क्या होगा बच्चों, I1+I2. ये कैसे हुआ, देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि करंट एट अ जंक्शन, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज जीरो, मींस I1+I2 = I. या हम इसको ऐसे पढ़ते थे, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन. तो किधर आ रही कितनी, I1+I2, जा कितनी रही I. तो I = किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, I1+I2 के. सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो I = क्या आएगा बच्चों, I1. I1 की वैल्यू कितनी देखो, E1-V/R1+I2. I2 वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी E2-V/R2. जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. तो ये सॉल्यूशन करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो जरा इस टर्म को पहले अलग अलग करो, मतलब R1 को इसके नीचे फिर इसके नीचे, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा I = E1/R1-V/R1. देखो R1 दोनों के नीचे था तो इसको अलग अलग कर लिया, इसके नीचे फिर इसके नीचे. ऐसे R2 को भी पहले E2 के नीचे फिर V के नीचे, तो क्या बचेगा, प्लस E2/R2
माइनस वी अपान आर टू। तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, ई वन अपान आर वन प्लस ई टू अपान आर टू, ठीक है ब्रैकेट में। और देखो ये बचेगा माइनस वी अपान आर वन माइनस वी अपान आर टू। यहां से बच्चों अगर हम माइनस वी कॉमन लें तो क्या बचेगा, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। भाई माइनस वी कॉमन ले लिया तो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। अब बच्चों इस वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा आई अपान वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू इज इक्वल टू, उधर बचेगा ई वन अपान आर वन प्लस ई टू अपान आर टू पहले से था, अपान में क्या बचा वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू माइनस का वी। ठीक है ऐसा करते हैं इसको इधर ले आते हैं, वी को इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, वी इक्वल टू लिखा जा सकता है ई वन अपान आर वन प्लस ई टू अपान आर टू अपान, ठीक है वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, ये इधर आया प्लस का हो गया था तो इधर से ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये उधर हो गया तो क्या बचा माइनस का आई अपान वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। बच्चों ये क्वेश्चन बन गई, अब जरा ध्यान दो, आपको पता है कि अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट मान लेते, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मान लिया ई इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट मान लेते, ठीक है तो इन दोनों की जगह सोचो केवल एक ईएमएफ लगा हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है जैसे इस डायग्राम को हटा दें ये दोनों एक ही समझिए आप, तो अब यहां पे हम क्या बनाएंगे ये मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस पे लिखा होगा इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ठीक है और ये आई करंट जाएगी, मतलब इन दोनों की जगह ये एक सेल माना जा सकता है ऐसा। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या होगा जरा ध्यान दो, तो इस सिचुएशन में भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें भी वी होगा क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा उसका भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो वी ही हो रहा है, यहां भी वी यहां भी वी तो वी हो जाएगा। तो वी इक्वल टू हम यहां से लिख सकते थे जैसे ई माइनस आई आर लिखते थे, तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें ई इक्विवेलेंट का फार्मूला मिल गया, क्या मिला बच्चों ये मिला ई वन अपान आर वन प्लस ई टू अपान आर टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू बराबर इक्विवेलेंट, ये हो गया या इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम ले लो ना यहां से एलसीएम क्या बचेगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपान आर वन प्लस आर टू। सेम ऐसे ही अगर आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये कितना निकल रहा भाई देखो आर इक्विवेलेंट आई के साथ आर इक्विवेलेंट तो यहां पे क्या बच रहा है वन अपान वन अपान वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, इसका मतलब वन अपान आर इक्विवेलेंट देखो इसको इधर ले आओ इस पूरे टर्म को इधर ले आओ क्या बनेगा वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, ठीक है। अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू, तो दोनों आंसर सही है चाहिए लिखिए ठीक है। ठीक है बच्चों अब पूछा गया था ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए ए से बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी है ना यही वी वाला होगा, यानी कि ये होगा इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, इससे आप कर सकते हो बच्चों। इस फार्मूले को लिखने का एक यहां से और आपको इजी वे में एक चीज पता चल गई कि अगर दो से ज्यादा सेल लगा दिए जाए तब भी आप इसी तरह ये फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन हो गया, बट अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन में तीन चार सेल भी आपसे कहा जाए, मतलब आपसे ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए ठीक है ये सोल्यूशन तो इधर कंप्लीट हो चुका है इसको ऐसे कर देते हैं, यहां मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बहुत सारे सेल लगे हुए जैसे ये लगा हुआ है एक ये E1 R1 ये सेल लगा हुआ है E2 R2 फिर लगा हुआ है
E3 R3, फिर और एक और लगा दो, मतलब कुछ भी कितने भी सेल लगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जाए तो बच्चों आप इस फार्मूले से लिख सकते हो, कैसे, जितने भी सेल लगे हों सब में क्या करना है बच्चों, E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 plus डॉट डॉट डॉट, जितने भी एन सेल हैं EN upon RN तक, अपान में 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, मतलब अगर जितने भी सेल दे दिए जाए 10 सेल 20 सेल 50 सेल, सबका आप इक्विवेलेंट ईएमएफ एक लाइन में निकाल सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो 1 upon R इक्विवेलेंट ये कितना आएगा, ये आएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus, ठीक है। एन अगर लगे हुए सेल तो एन रेजिस्टेंस तक ऐसे ही पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो बच्चों इन दो फार्मूले की हेल्प से आप कितने भी सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें तो केवल यहां तक करना है, छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।